Good afternoon, my dear students. Today I have come with a new lesson, lesson 7, packing from beehive. So now I am going to take your English class, lesson 7, packing. So today I will start part 1 of this lesson. So please pay attention. But before that, I want to give a briefing. Packing is a humorous and hilarious story, and it's written by Jerome K. Jerome. It has been extracted from the famous novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. And this is an adventurous story of three friends, Jerome himself and his two friends, Harris and George. They just want to spend holidays, and they are busy in packing before leaving for the holidays. And here the narrator himself is Jerome K. Jerome, and he tells about the experiences while he had to pack the things, and how his friends created a mess in packing those things. You know very well, हम लोग कभी भी कहीं बाहर जाते हैं, हॉलीडेज पर जाते हैं, तो पैकिंग करते हैं ब्रीफ केस, सूटकेस, जो बैग्स होते हैं, ट्रेवल बैग्स होते हैं, वो सब कॉपी करने पड़ते हैं, पैकिंग करने पड़ते हैं, सॉरी. और पैकिंग करने में कितना दिक्कत होता है. हर कोई अच्छा पैकर नहीं हो सकता है. एवरीबडी कैनॉट बी अ गुड पैकर. तो हर किसी का वस का बात नहीं है. पैकिंग इज अ हिलेरियस जॉब. इट्स नॉट सो ईजी. इट्स डिफिकल्ट जॉब. ओके. तो इन दिस वे जेरोम टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस लेसन ऑफ पैकिंग. And what happens, we will see in the lesson. But before that, before I continue the lesson, I will want to tell you something about the author. Let's continue. So Jerome K. Jerome's full name is Jerome Klapka Jerome. Jerome K. Jerome ka pura naam hai Jerome Klapka Jerome. इस ऑथर का. एंड ही वॉज बोर्न ऑन 2 मई 1859. उनका जन्म कब हुआ था? 2 मई 1859 को जन्म हुआ था. और उनकी मृत्यु हुई 14 जून 1927. ही डाइड ऑन 14 जून 1927. एंड बेसिकली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स that Jerome was an English writer. ये नाम से ही पता चल जाता है कि जेरोम एक English writer थे. Okay, he was born in England. And humorist मतलब कहा जाता है जो हंसाने वाला, जो comical role करता है. कुछ film में भी वैसे characters होते हैं जो comical role करते हैं. बहुत सारे characters हैं, ठीक है. तो ही वॉज ए ह्यूमरिस्ट. ह्यूमर के ऊपर उन्होंने लेखन किया है. उनके जो राइटिंग्स है बहुत ह्यूमरस रहे हैं. आई मीन टू से बेस्ट नोन फॉर द कॉमिक ट्रैवलर थ्री मैन इन अ बोट 1889. और खास करके वो जाने जाते हैं, एक ट्रैवल स्टोरी लिखे थे. कॉमिक का मतलब हास्यपूर्ण. कॉमिक का मतलब यहाँ क्या हुआ?
हास्यपूर्ण, ठीक है, फन फील्ड स्टोरी लिखे थे, ट्रैवल स्टोरी जिसका नाम है थ्री मैन इन ए बोट। स्टोरी नहीं, नोवेल लिखे थे, सॉरी, ओके। एंड नोवेल भी स्टोरी के जैसा होता है, लॉन्ग स्टोरी को नोवेल बोलता है, बोला जाता है, ओके। तो 1889 में इन्होंने ये ट्रेवलॉग लिखा था, थ्री मैन इन ए बोट। ट्रेवलॉग का मतलब क्या हुआ? ट्रेवल स्टोरी, क्लियर। अदर वर्क्स इंक्लूड द एसे कलेक्शंस आइडियल थॉट्स ऑफ एन आइडियल फेलो इन 1886 एंड सेकंड थॉट्स ऑफ एन आइडियल फेलो, थ्री मैन ऑन द बमेल, अ सीक्वल टू थ्री मैन इन ए बोट एंड सेवरल अदर नॉवेल्स। तो यहां पर देखिए, उसके साथ साथ ये ट्रेवलॉग थ्री मैन इन ए बोट लिखने के साथ साथ उन्होंने और भी कुछ एसेज, ऐसे कलेक्शंस लिखे थे, कलेक्शंस ऑफ एसेज लाइक आइडल थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो इन द ईयर 1886 एंड सेकंड थॉट्स ऑफ एन आइडल फेलो, ये इन्होंने ऐसे लिखा था। फिर थ्री मैन ऑन द बमेल भी उनका लिखा हुआ, उनका ही राइटिंग था, अ सीक्वल टू जस्ट थ्री मैन इन ए बोट, हाँ, इसी के जैसे ये भी था, इसीलिए इसको कहा गया। एंड सेवरल अदर नॉवेल्स, और इसके साथ साथ और भी ढेर सारे उपन्यास लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, कितने सारे किताब लिखे थे इन्होंने, ओके। नाउ आई विल मूव ऑन टू दिस इज जेरोम के जेरोम, यू कैन सी द पिक्चर इटसेल्फ स्पीक्स। नाउ मोर टू नो अबाउट जेरोम के जेरोम, जेरोम वॉज बॉर्न इन वालसाल इंग्लैंड। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मैंने पहले ही बताया था, इंग्लैंड में। उनका जन्म वालसाल एक जगह है इंग्लैंड में, वहीं पर हुआ था। एंड व्हिल्स्ट ही वॉज एबल टू अटेंड ग्रामर स्कूल, हिज फैमिली सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एट टाइम्स। और जब वो ग्रामर स्कूल अटेंड कर रहा था, इंग्लैंड में जो स्कूल्स हुआ करते थे वैसे ही नाम हुआ करते थे, हाँ, फलाना ग्रामर स्कूल, सो ग्रामर स्कूल, लाइक दिस, ओके। एंड व्हाइल ही वाज एबल टू अटेंड ए ग्रामर स्कूल, हिज फैमिली सफर्ड अ लॉट, ओके। एंड ही सफर्ड, हिज फैमिली सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी एट टाइम्स, एज डिड ही एज अ यंग मैन ट्राइंग टू अर्न ए लिविंग इन वेरियस ऑक्यूपेशंस। और वो एज ए यंग मैन हो गए थे, यू बिकेम यंग, व्हेन ही बिकेम यंग ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, ओके। एंड ही वॉज ट्राइंग टू अर्न ए लिविंग इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, ही कैरिड आउट सो मेनी ऑक्यूपेशन, ही डिड सो मेनी ऑक्यूपेशन, सो मेनी जॉब्स, सो मेनी वर्क्स, एंड ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, पॉवर्टी, ओके। एनी वे ही ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाई डूइंग वेरियस वर्क्स, ओके। हु? जेरोम गलाप का जेरोम, जेरोम के जेरोम इज द फेमस राइटर। इन हिज ट्वेंटीज ही वॉज एबल टू पब्लिश सम वर्क एंड सक्सेस फॉलोड। इन हिज ट्वेंटीज, मतलब ये 20 साल के जब हो गए, हाँ, ट्वेंटीज किसको कहा जाता है? 20 साल से लेकर 29 साल तक ये ट्वेंटीज में काउंट होता है, ओके। जब ये ट्वेंटीज में थे, कहने का मतलब उन्होंने कुछ किताबों का पब्लिश कराया, कुछ राइटिंग्स का पब्लिश कराया, संपादन कराया, एंड सक्सेस फॉलोड, और वो सफल भी हुए, एंड ही बिकेम सक्सेसफुल, ओके। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, देन some briefing about his life also is given, okay. He married in 1888. Unhone, Jerome ne kab shaadi ki? 1888 mein. And the honeymoon was spent on a boat on the Thames. To isi ke upar unhone likha hai. Ye jo likha na, spent on a boat on the Thames, isi ke upar shayad adharit hai, maybe, okay. He published Three Men in a Boat as soon afterwards. और जस्ट उसके बाद अपने शादी करने के बाद उन्होंने ये पब्लिश किया, Three Men in a Boat. समझ में आ रही है? Okay. He continued to write fiction, non-fiction,
and place, sorry, ये फिक्शन, फिक्शन मीन्स नॉवेल्स, कहानियां. फिक्शन में का मतलब होता है उपन्यास. नॉन फिक्शन मतलब उपन्यास से, कहानियों से के अलावा दूसरी किताबें भी लिखना शुरू कर दिए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन फिक्शन. क्लियर? एंड प्लेस, प्लेस का मतलब, प्लेस का मतलब क्या होता है? एकांकी लिखना शुरू कर दिए, नाटक लिखना शुरू कर दिए. वो उपन्यासकार के साथ साथ, कहानी लेखक के साथ साथ वो नाटककार भी थे. ठीक है? ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ दशकों तक उन्होंने ये सब कहानियां, उपन्यास, एकांकी का संग्रह, एकांकी उसी को बोला जाता है, ड्रामा प्ले को, ठीक है, ये सब लिखना शुरू किए और उन्होंने करते रहे कितने, कुछ दशकों तक, हो सकता है 20-30 सालों तक. ओके, एक दशक 10 साल का होता है. दो नेवर विद द सेम लेवल ऑफ सक्सेस, लेकिन जितना उन्होंने मेहनत किया लिखने में, कहानियों को लिखने में जितना मेहनत किया, किताबों को लिखने जितना मेहनत किया, उपन्यास को लिखने में जितना मेहनत किया, नाटकों को लिखने में मेहनत किया, नॉन फिक्शन स्टोरीज को बारे में या नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में बताया गया है, उन्होंने वो सब नॉन फिक्शन के ऊपर लिखने का उन्हें कोशिश किया और कितने सारे बुक्स को लिखे, कितने सारे स्टोरीज को लिखे, लेकिन उस लेवल का सफलता उनको नहीं मिला, उस लेवल का सक्सेस उनको नहीं मिल पाया. किसको? जेरोम के जेरोम को. ठीक है? He died in 1927 and his body was cremated. उनका मृत्यु कब हो गया? 1927 में. और उनके शरीर को क्या किया गया? दफना दिया गया. ओके, विथ रिचुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ओके, ऑफ द क्रिश्चियंस. ही वॉज बेसिकली अ क्रिश्चियन इंग्लिश मैन. नाउ आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस स्टोरी. ओके, पैकिंग इज ए स्टोरी अबाउट थ्री फ्रेंड्स. मैंने पहले ही बताया था, पैकिंग जो कहानी है तीन दोस्तों के बारे में है. एक तो जेरोम खुद, नरेटर खुद, एक वो भी कैरेक्टर है, नरेटर भी. और नरेटर कौन है? जेरोम के जेरोम. हु आर गेटिंग रेडी टू गो फॉर ए जर्नी. तो जेरोम के जेरोम और उसके दो दोस्त, उनके दो दोस्तों की कहानी है जो कि तैयार हो रहे हैं एक यात्रा के लिए. दे आर गोइंग फॉर ए ट्रिप, दे आर गोइंग फॉर ए जर्नी. ओके, तो हम लोग यात्रा पर जाते हैं ना हॉलीडेज वगैरह में, तो ये लोग भी यात्रा पर जा रहे थे और यात्रा पर गए थे. उसी यात्रा का वर्णन किया गया है, तीन दोस्तों की कहानी है जिसमें जेरोम के जेरोम एक वो भी कैरेक्टर है. ओके, इट फॉलोज द पैकिंग सेशन ऑफ थ्री फ्रेंड्स, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज. मैंने अभी भी बताया था कि हम लोग कभी यात्रा पर निकलते हैं तो पैकिंग करते हैं, बैग्स रहते हैं, सूटकेसेस रहते हैं, उसको पैकिंग करने में बहुत समय लगता है. कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ भूल जाते हैं, कितने सारी चीज़ भूल भी जाते हैं, तो फिर उसको उस जिप को खोलकर हाँ फिर उसको पैक करते हैं. ठीक है? तो जेरोम, हैरिस और जॉर्ज ये लोग पैकिंग सेशन में लगे हुए रहते हैं और कितना समय लगाते हैं. दे क्रिएट अ मेस अबाउट एवरीथिंग. सब कुछ इधर उधर कर देते हैं, सभी सामान इधर उधर कर देते हैं जो पैक करना होता है. यही कहानी है. दस इट बिगिंस विद देम स्टार्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ए जर्नी, पैकिंग. तो ये जो पैकिंग, ये जर्नी का शुरुआत कैसे होता है? सबसे पहले पैकिंग करते हैं एक दिन पहले. जर्नी जिस ट्रिप पे जाना है जिस दिन, उससे एक दिन पहले वो लोग पैकिंग शुरू करते हैं और रात को, देर रात तक पैकिंग करते हैं. ठीक है? पैकिंग. दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम थ्री मैन इन ए बोट बाय जेरोम के जेरोम. ये जो कहानी है पैकिंग, ए थ्री मैन इन ए बोट, इस किताब से ली गई है, उसी का अंश है. उस कहानी का जस्ट ये अंश है, थ्री मैन इन ए बोट.
Okay. So I'll move on to the next slide. अभी ये खत्म नहीं हुई है. In here, इस कहानी में जेरम इज द नरेटर हिमसेल्फ. वो स्वयं ही एक नरेटर है. नरेटर मीन्स कहानीकार. वो खुद ही कहानी सुना रहे हैं. एंड राइट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ही हैज व्हाइल हिज फ्रेंड डिसाइड टू स्टार्ट पैकिंग. और वो उस तजुर्बे के बारे में लिख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में दर्शा रहे हैं इस कहानी में, जब उसके दोस्त, उसके दो बाकी जो दोस्त, वो लोग फैसला करते हैं पैकिंग करने का. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. ओके, फर्दर इट टेक्स अस ऑन अ हिलेरियस राइड अबाउट द थ्री एडल्ट्स हु स्ट्रगल टू डू अ बेसिक थिंग एज पैकिंग. और बाद में एक हमें एक ऐसे जगह लेकर जाता है, हिलेरियस थिंग. हाँ, हिलेरियस मीन्स ऐसा सिचुएशन, मैंने फनी सिचुएशन कह लो. हाँ, और स्ट्रेंज सिचुएशन भी कर सकते हो, डिफिकल्ट सिचुएशन भी कर सकते हो. अबाउट द थ्री एडल्ट्स, उन तीनों नौजवानों के बारे में, उन तीनों दोस्तों के बारे में जो कि बहुत ही संघर्ष करते हैं पैकिंग करने के लिए. ठीक है, जो सामान पैकिंग करना पड़ता है दूसरे दिन यात्रा के लिए, उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है. सारा सामान इधर से उधर बिखर जाता है. ठीक है, और कितने समय लग जाते हैं उनको पैक करने के लिए. इट विल टेक यू थ्रू द न्यूसेंस दे एक्सपीरियंस इन एडिशन टू द डॉग मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूशन. और इस कहानी में यह भी हम देखेंगे कि एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं. न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. ओके, और उनका जो डॉग होता है ना, उसका नाम होता है मॉन्टमोरेंसी. ये फोर्थ कैरेक्टर है. मॉन्टमोरेंसी इज द फोर्थ कैरेक्टर एंड ही ऑल्सो एंजॉयज इन क्रिएटिंग इन्वेशंस. वो भी मजा लेता है, बहुत ही आनंद लेता है. हाँ, मेस क्रिएट करने में, मतलब कि डिस्टर्ब करने के लिए उन लोगों के लिए. ठीक है, कि किस, वो सोचता है किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए पैकिंग में, जो सारा सामान इधर से उधर बिखर जाए और वो लोग आपस में टकराने लगे. सो मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूशन, योगदान. मॉन्टमोरेंसी भी योगदान करना चाहता है पैकिंग, मतलब वो कुछ करना चाहता है लेकिन कुछ और हो जाता है. ओके, सिमिलरली इट ऑल्सो शोज हाउ हिज अदर टू फ्रेंड्स आर नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू पैकिंग. और यह कहानी पढ़ने के बाद हम यह भी जान पाएंगे इस कहानी से कि जो नरेटर है, नरेटर कौन है, जेरम के जेरम, उनके जो बाकी जो दोस्त हैं वो भी उतने अच्छे नहीं है पैकिंग में. हाँ, वो पैकिंग में वो लोग भी बहुत कमजोर हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पैकिंग. सो ये लेसन जो पैकिंग है, ये जेरम के जेरम का लिखा हुआ है. और इसमें हम लोग कितने कैरेक्टर देखते हैं, चार कैरेक्टर टोटल देखते हैं. एक जेरम खुद है, दूसरा उसका दोस्त है जॉर्ज, तीसरा है हैरिस, चौथा है उसका डॉग मॉन्टमोरेंसी. क्लियर, ये चार कैरेक्टर इस नोवेल में है. नाउ आई विल मूव ऑन टू द लेसन. ध्यान देना बेटा, ओके, यू सी द फर्स्ट पेज. आई सेड आई वुड पैक. किसने बोला, द नरेटर सेड. आई कौन है, हो जाए द नरेटर, कहानीकार. तो और कहानीकार कौन है, जेरम के जेरम. तो जेरम के जेरम सेड आई वुड पैक. वो बोला कि मैं पैक करूंगा. कोई भी काम होता था तो पहले वो आगे चले जाता था काम करने के लिए. कोई काम हो तो वो खुद जिम्मेदारी लेता था, जेरम के जेरम जो नरेटर था. आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. कह रहा है कि मुझे तो बहुत ही अभिमान होता है जिस प्रकार से मैं पैकिंग करता हूँ. मतलब मेरे जैसा है सूटकेस, ब्रीफकेस और बैग पैकिंग करने वाला
इस दुनिया में कोई नहीं होगा, उसका कहने का मतलब यही है। इसीलिए उसे अभिमान है उसके पैकिंग पर, लेकिन आगे चलकर क्या होता है हम लोग देखेंगे, उसका पैकिंग का कैसे तहस नहस हो जाता है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। कर रहे हैं नरेटेड जेरम के जेरम कर रहे हैं पैकिंग, इतने सारे चीज हैं, इतने सारे कार्य होते हैं लोगों को करने के लिए, और उसके पास वो भी ढेर सारे कार्य करता है, कौन? जेरम के जेरम। उन कार्यों में पैकिंग जो है उसके लिए एक ऐसा कार्य है जिसे उसको लगता है कि वो कहते हैं कि आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। कोई व्यक्ति से जहां तक पैकिंग का सवाल है, इतना सारा मैं काम करता हूं, उन कार्यों में पैकिंग जो एक ऐसा कार्य है जो कि मैं किसी भी व्यक्ति से ज्यादा जानता हूं। कौन कहते हैं? नरेटर जेरम के जेरम। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। और कह रहे हैं कि कभी कभी मैं ही अचंभित हो जाता हूं, आश्चर्यचकित हो जाता हूं, और यह सोचकर कि कितने सारे कार्य होते हैं लोगों को करने के लिए, सिर्फ पैकिंग के कार्य नहीं, कितने सारे कार्य, कितने सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें से पैकिंग भी एक कार्य है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। तो क्या हुआ कि वो इस सच्चाई को, पैकिंग करने की सच्चाई को, कि बहुत बड़े पैकर हैं, सबसे अच्छे पैकर हैं वो, यह बताने के लिए जेरम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को इंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को प्रभावित करना चाहते हैं अपने बातों से, यह बताकर कि मैं, मेरे जैसा कोई पैकिंग करने वाला नहीं होगा, ठीक है। और ये उन लोगों को कहते भी हैं जेरम, द राइटर टेल्स जेरम कहते हैं That they had better leave the whole matter entirely to me. वो बोलते हैं कि देखो जॉर्ज एंड हैरिस, you don't have to worry. You leave the entire matter of packing to me. Entire work of packing I will do. I'll take the responsibility of packing. You don't have to worry. ये बात बोलते हैं तो दोनों दोस्तों का रिएक्शन कैसा होगा? उनको तो मजा आएगा, क्यों हम लोगों को पैकिंग नहीं करना पड़ेगा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया जेरम, ले लिया, अब हम लोग को मजा में रहना है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है ज्यादातर, कोई अगर आगे बढ़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेने का मतलब ये नहीं था कि वो खुद ही स्वयं पैकिंग करना चाहते थे जेरम के जेरम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। सो प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब होता है आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ, ठीक है, क्लियर। जैसी द फेल इन टू द सजेशन विथ अ रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और उनके जेरम के दोनों दोस्त थे जॉर्ज और हैरिस, वो क्या किए, उनके दिमाग में कुछ बात सूझा, दे प्लान्ड, हाँ, उनके दिमाग कुछ बात आई और वो तैयार हो गए विथ रेडीनेस, मतलब वो जेरम के हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो गए। उसके उसने जो बात कही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, उसमें किसी ने ना नहीं की, वो दोनों तैयार हो गए, ठीक है। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, स्ट्रेंज, अनकैनी का मतलब स्ट्रेंज, इट वॉज ए स्ट्रेंज थिंग, ओके, बहुत विचित्र बात थी कि जेरम के जेरम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, तो क्यों ना करते। दे अग्रीड, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। तो जॉर्ज क्या किया, वो अपना पांव फैलाकर इजी चेयर पे बैठ गया। इजी चेयर देखते हो ना, खास करके बूढ़े लोग बैठते हैं, आराम कुर्सी इसको कहा जाता है, तो उस पर बैठकर पैर फैलाकर बैठ गया इजी चेयर पर। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस एक सोफा पर जाकर बैठ गया, हाँ, और अपना पैर एक टेबल पर रख दिया, ऐसा करके पांव उठाकर रख दिया, एकदम आराम से लाट साहब के जैसा,
क्योंकि इन दोनों को समझ में आ गई कि अब जेरोम के जेरोम जेरोम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है पैकिंग करने की, तो हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखना है कैसे पैकिंग करता है। इससे पहले ग्लॉसरी बता दें, फेल इनटू हियर मीन्स एक्सेप्टेड, फेल इनटू मतलब एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर किया, मैं बताया था, लोग स्वीकार कर लिया उसके सजेशन को, किसके सजेशन को, नरेटर के। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, और कह रहे हैं नरेटर, कह रहे हैं जेरोम, जेरोम इज द नरेटर, वो कह रहे हैं कि ये मुश्किल से मैं कभी मेरा ऐसा इंटेंशन हुआ होगा, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। उसका कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि रे लीव द जॉब टू मी आई विल सी एवरीथिंग, मतलब ये नहीं था कि मैं ही पैकिंग करूंगा, लेकिन इंटेंशन उनका ये नहीं था। व्हाट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब। तो जेरोम कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा पैकिंग कर सकता हूँ, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पैकिंग करूँगा। सही में इसका मतलब ये था, वो कहना चाहते थे कि मैं आई वॉन्ट टू बॉस द जॉब, मतलब मैं एज ए बॉस काम करूँगा, मैं डिरेक्शंस दूंगा, मैं निर्देश दूंगा कैसे करना है, ऐसा पैक करो, उधर का चीज़ ऐसा उठा कर रखो, ऐसा करो, ऐसा करो, उधर ऐसा क्यों छोड़ दिए हो, इसको पैक करो इधर। तो जेरोम वांटेड टू बॉस द जॉब, ओके, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शंस। और जेरोम कह रहे हैं कि मेरा मतलब यह था कि मैं आई विल बॉस द जॉब, और ये हैरिस और जॉर्ज मेरे इशारा पर इधर उधर नाचते रहेंगे। हाँ, यही हमारी मेन इच्छा थी, मैंने सोचा था कि ऐसा ही होगा, यही मेरा इंटेंशन था। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ, और आई वॉज पुशिंग देम एक्सक्यूज मी, यही इच्छा थी कि मैं उसको उधर ढकलूंगा, जाकर उधर काम देखो, वो काम देखो, उधर उधर पैकिंग करो। हाँ, तो उनके ऐसा करके निर्देश देने का मेरा काम था। Oh you, और मैं क्या बोलकर, oh you, what you have done? Hey, no, 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 not like this, like this. होते हैं ना? Here, let me do it. हाँ, और जहां वो लोग गलती करेंगे पैक करने में, मैं वहां बताऊंगा, हाँ, अरे मैं करके दिखा देता, ऐसा करो, मैं जैसा करता हूँ ना, यहाँ रखता हूँ, ये चीज ऐसा यहाँ रहना चाहिए, टूथब्रश यहाँ रहना चाहिए, ये ब्रश यहाँ रहना चाहिए, शूज यहाँ रहना चाहिए, हाँ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ते बॉसिंग द जॉब, ही वॉन्टेड टू जस्ट बॉस द जॉब। There you are, simple enough. और ये भी quotation से मैं बोलना चाहता था, There you are, what are you doing? Simple enough. Really teaching them as you might say. और मैं कह रहे हैं जेरो कि मैं उनको एक्चुअली पढ़ाना चाहता था, सिखाना चाहता था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, वो पैकिंग करेंगे और जहां गलती करेंगे मैं उनको क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा उनकी गलती को, ठीक है, यही उनकी इच्छा थी। पॉटर अबाउट का मतलब होता है टू डू सम यूनिक अनइम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ सॉरी यूनिक नहीं, टू डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स को करना, वही होता है पॉटर अबाउट, मतलब मंडराना आस पास इर्द गिर्द घूमते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, जिस प्रकार से इसके बातों को, जेरोम की बातों को उन लोगों ने लिया, इससे मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। हाँ, जेरोम के जेरोम बोल रहे हैं कि इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, जिस प्रकार से मेरे बातों को उन लोगों ने ले लिया, मैं जो कहना चाहता था उन बातों को जिस प्रकार से लिया, उससे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। देर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग,
और कह रहे हैं जेरोम कि कभी भी अगर मैं कोई काम करता हूं और मेरे सामने दूसरे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वहां बैठ रहे हैं, और जब मैं काम कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेवर लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। कह रहे हैं कि मैं मेहनत करूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो उस वक्त जो और भी लोग जो रहते हैं उनको हाथ बटाना चाहिए, हाथ बटाने के बजे जाकर वो बैठ जाते हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कौन कहते हैं? जेरोम द नरेटर। फिर एक कहानी सुनाते हैं, फिर जेरोम एक कहानी सुनाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। I lived with a man once who used to make me mad that way. वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ मैं एक बार रहता था जो मुझे पागल बना देता था काम करवाकर। वो आदमी सिर्फ डायरेक्शन देता होगा, वही बात कहना चाहते हैं, वो मुझे एकदम पागल बना दिया था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. वो क्या करता था? सोफा पर बैठ जाता था। He would sit on the sofa, एकदम आराम से पैर फैलाकर, and watch me doing, और उसे काम करते हुए देखता था। सिर्फ सोफा पर बैठ जाता था वो आदमी, और इससे जेरोम से, इस नरेटर से काम ही काम करवाता था, ठीक है, पूरे घंटों तक काम करवाता था। He said it did him real good to look on at me messing about. और वो कहता था, वो आदमी जेरोम से काम कराता था अपने डायरेक्शन में, बोलता था कि बहुत अच्छा लगता है तुम इधर उधर जब नाच रहे हो, तुम मेसिंग, हाँ, तुम कैसे कौन सा काम क्या करना है तुम उसको डैमेज कर दे रहे हो, मतलब ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील इंटरेस्टेड नाउ, आई एम नॉट लाइक दैट। लेकिन जेरोम क्या बोलते हैं? लेकिन नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं ऐसा नहीं हूं, वो तो मैं जब छोटा था तो ऐसा किसी ने कर दिया, अब मैं समझदार हो गया हूं, अब कोई करके दिखाए। लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज पार्ट वन। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कह रहे हैं कि मैं चुपचाप सहन नहीं कर सकता हूं, चुपचाप ऐसे बैठ नहीं सकता, ये खड़ा नहीं रह सकता है जब दूसरा आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। कोई आदमी अगर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो मैं वहां खड़ा होकर नहीं देख सकता हूं, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं ऐसे कि मैं वहां खड़ा रहूं और किसी को देखते रहूं, काम करते जा, करते जा रहा, मेहनत करते जा रहा, मैं चुपचाप खड़ा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। कह रहा है कि मेरा एक्चुअली कहने का मतलब ये था, मैं बस खड़ा होकर सुपरवाइज करना चाहता था। सुपरिंटेंडेंट का मतलब होता है सुपरवाइज। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स एंड टेल हिम व्हाट टू डू। और मेरी इच्छा थी कि मैं पॉकेट में बस हाथ डालकर बस देखते रहूं कौन क्या कर रहा है, ऐसे करके यू हैव डन, यस यस यस, कैरी ऑन, होते ना कैरी ऑन। तो यही मेरा सोच था कि मैं अपने पॉकेट में हाथ डालकर ऐसा ही घूम घूम कर देखता रहूंगा, टेल हिम व्हाट टू डू, उसे बताता रहूंगा, हाँ ऐसा करो वैसा करो। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, ये मेरा स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा स्वभाव है, यही मैं करना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे माई डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम विथ पार्ट टू ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।